Hello and welcome back everyone. Let's see logical operator. So logical operators में हमारे पास logical and होता है जिसको हम double ampersand के साइन से शो करते हैं. इसको बोलते हैं ampersand. ठीक है, ampersand का यूज़ हम एड्रेस को एक्सेस करने के लिए किया करते हैं. बट यहाँ पे ampersand अगर आप दो बार यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक logical and है. ठीक है, आप इसको बोलेंगे ये एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर है. ठीक है, देन लॉजिकल और. लॉजिकल और को हम जो है दो पाइप से शो करते हैं. ठीक है, आप इसको पाइप भी बोल सकते हैं या आप सिंगल एक दो डबल लाइन. ठीक है, तो जनरली पाइप का यूज जो है हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हमारे सब्जेक्ट्स है तो वहां पे इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं. बट इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल और. ठीक है, और एक होता है हमारे पास लॉजिकल नॉट. तो लॉजिकल नॉट के लिए आप सिंपल लाइन, सिंगल लाइन एंड सिंगल लाइन के नीचे डॉट, तो इसको आप बोलेंगे लॉजिकल नॉट. ओके, कमिंग टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको इन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन में इनकी ट्रुथ टेबल आपको ध्यान रखनी होगी. सो व्हाट इज ट्रुथ टेबल. ट्रूथ टेबल में हमेशा जो है इनकी ट्रू और फॉल्स में हम वैल्यू कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से नहीं है, आपको आपने बीटेक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स नहीं स्टडी किया है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको इसकी ट्रूथ टेबल जो है लिख के दिखा देता हूँ. और इस ट्रूथ टेबल को आपको रिमेंबर रखना होगा जब भी आप इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे इन एनी एक्सप्रेशन. सो व्हाट आर दिस ट्रूथ टेबल. ट्रुथ टेबल में लेट से लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए, लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और को परफॉर्म करने के लिए आपको दो ऑपरेंड्स की जरूरत है. ठीक है, तो लेट से आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू, और इन दोनों ऑपरेंड पे जो भी आप लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे उससे आपको ये रिजल्ट मिलेगा. तो रिजल्ट को हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, अब अगर हमारे पास दो ऑपरेंड हैं तो दो ऑपरेंड से कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, फोर. ठीक है, तो फोर पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. फोर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, फोर पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आइदर फॉल्स फॉल्स, इसको मैं फॉल्स और ट्रू लिखने के बजाय मैं इसको जो है जीरो वन से आपको शो करता हूं. ठीक है, 01 से ज़्यादा बेटर रहेगा. तो 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1, ये टोटल फोर पॉसिबल वैल्यूज है. सो अगर हम लॉजिकल एंड अप्लाई करते हैं ऑपरेंड वन, लॉजिकल एंड ऑपरेंड टू, तो उस केस में क्या होगा, जब आप लॉजिकल एंड अप्लाई करेंगे दो ऑपरेंड पे, सो उस केस में आपको ये रिमेंबर रखना है कि अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होती है, कोई भी एक वैल्यू जीरो होती है, उस केस में रिजल्ट जीरो आता है. सो यहाँ पे जो है रिजल्ट जीरो होगा, यहाँ पे एक वैल्यू जो है रिजल्ट जीरो है तो रिजल्ट जीरो होगा, यहाँ पे एक ऑपरेंड जीरो है तो यहाँ पे भी रिजल्ट जीरो होगा. एंड अगर दोनों वैल्यू वन वन है तो उस केस में आपको जो है वन वैल्यू मिलेगी. कमिंग टू द लॉजिकल और. लॉजिकल और में दो डबल पाइप एंड ऑपरेंड टू. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू होता है, मीन्स कोई भी एक ऑपरेंड वन होता है, उस केस में आपको रिजल्ट जो है वन मिलेगा. तो यहाँ पे दोनों ही ऑपरेंड जो है जीरो जीरो है तो रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा. यहाँ पे ये सेकेंड ऑपरेंड वन है तो रिजल्ट आपको वन मिलेगा, इसमें भी आपको वन मिलेगा एंड फाइनली आपको वन मिलेगा. तो लॉजिकल एंड में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेंड जीरो होता है या फॉल्स होता है, उसके इसमें रिजल्ट फॉल्स होगा. लॉजिकल और में आपको कोई भी एक ऑपरेंड जो है अगर ट्रू होता है, मींस वन होता है, तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, वन मिलेगा. ठीक है, एंड कमिंग टू द लॉजिकल नॉट, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मींस इसको आप सिंगल एक ऑपरेंड पे अप्लाई करोगे. ठीक है, जबकि लॉजिकल एंड लॉजिकल और जो है बाइनरी ऑपरेटर है, इसको आप दो ऑपरेंड पे अप्लाई करोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से मेरे पास एक ऑपरेटर है, ए एक ऑपरेंड है, इसकी वैल्यू है ट्रू। तो अगर मैं नॉट ए अप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। ठीक है, तो एक अगर कोई भी ऑपरेंड उसकी अगर वैल्यू ट्रू होती है, उस पर नॉट, अगर आप नॉट ऑपरेट लॉजिकल नॉट अप्लाई करते हो देन फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर वो फॉल्स है देन लॉजिकल नॉट अप्लाई करने के बाद वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है इसको आप नोट में रख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है ये यूज किया जाता है। शॉर्ट सर्किट लॉजिकल का मतलब है कि आप जो है इस तरह से वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 less than 3 एंड मतलब लॉजिकल एंड 3 less than 4। तो जब आप दो कंडीशंस को, दो पर्टिकुलर ऑपरेंड एक्सप्रेशंस को अगर एक साथ लॉजिकल एंड में रखते हो तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इसको आप ऐसा एक्सप्रेशन सोच सकते हो, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है फॉल्स होता है उस केस में रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये लॉजिकल एंड के साथ एप्लीकेबल है और ये लॉजिकल और के साथ भी एप्लीकेबल है। लॉजिकल और में जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 less than 3, लॉजिकल और 4 greater than 3। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन इन दोनों में से ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तो उस केस में रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट लॉजिकल में आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े एक्सप्रेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड लॉजिकल और, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि लॉजिकल एंड में कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू होगा। उसी तरह से लॉजिकल और में कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है तो देन रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी बिटवाइज ऑपरेटर्स।